बार विधानसभा में क्वेश्चन उठा करके और इसको चालू कराने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ एजुकेशन का बहुत बड़ी कमी है कि ना तो पाटन में कॉलेज है, ना काबरेन में कॉलेज है, ना लाखेरी में कॉलेज है और ना ही इंदरगढ़ में कॉलेज है। तो हम शिक्षा को अपना आधार मानते हुए चिकित्सा शिक्षा पानी बिजली इन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हम कॉलेज खुलवाएंगे। और एक डिमांड हो रहा है हमारे पंचायत समिति की कि ये बहुत बड़ी पंचायत समिति केशवराय पाटन, तो एक पंचायत समिति हम लाखी या इंद्रगढ़ में खुलाने का प्रयास करेंगे। और ये मेरा होली प्रयास रहेगा कि ये चारों चीज़ें मैं करा करके और मैं सभी जनता के लिए आभार के रूप में या कुछ देने के रूप में मैं कोशिश करूंगा कि ये चीज़ें मैं इनको दूं। यदि विधायक इन्होंने बनाया तो निश्चित ये चीज़ें मैं करके दूंगा। यहाँ की सबसे बड़ी, अभी आपने देखा होगा अनेटा से सीधा आप दोताना तक आए हैं, सड़क का एक भी ऐसा भी मैंने रोड बनाया था पहले, उसके बाद इसमें एक भी सीमेंट की गट्टी किया, डामर भी नहीं चढ़ा। ये रोड मैंने बनाया था दोताना। सेल प्रेमी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सेल प्रेमी जी जिंदाबाद भाई। कल जी भी रह गए, चंद्रकांता भी रह गई, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। काम के नाम पर इन्होंने कोई काम नहीं किया और मेरे कामों का उद्घाटन किया, बाकी कोई काम इन्होंने नहीं किया भारतीय जनता पार्टी वाला। तो क्या गांव वाले ये भी आस लगा के बैठ सकते हैं कि भाई ये रोड भी बन जाएगा आपके? बिल्कुल बिल्कुल, विद इन ए ईयर मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि एक साल के अंदर अंदर ये सारे रोड ठीक हो जाएंगे यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो। और कांग्रेस यहाँ की शिक्षा के लिए आपने बात की, शिक्षा के लिए मैंने आपसे बात करी कि भाई कॉलेज खुलवाएंगे। वास्तव में यहाँ के विद्यार्थियों को बहुत शिक्षा के लिए परम आवश्यक है और कॉलेज खुलवा के रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तीनों सीटें की क्या मानते हैं आप बूंदी? तीनों सीटें कांग्रेस की आएगी, निश्चित रहिए आप। लेकिन 3 तारीख को लेकिन कई जगह त्रिकोणी संघर्ष चल रहे हैं, जैसे आपके पाटन में ऐसा है, राजस्थान में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री की जो कल्याणकारी योजना है और साथ जो उन्होंने अभी हमारे जो उन्होंने वादे किए, जो गारंटी दिए, मैं समझता हूँ कि उन गारंटी को हमने कार्ड बांटे हैं, उन गारंटियों को पढ़ करके मैं समझता हूँ कि हर वोटर, हर महिलाएँ, हर कर्मचारी सबको बेनिफिट उन्होंने दिया है। तो मेरा मानना है कि निश्चित राजस्थान में सरकार बनेगी और हमारे सारे काम होंगे, सभी किसानों के, मजदूरों के, सबके काम होंगे।